अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ आइसक्रीम बनाना ना बर्फ़ वाली। तो इसमें जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमें क्या क्या चाहिए। मेरे पास मोल्ड है ये आइसक्रीम बनाने वाला, ये इसके अंदर जाएंगी जब हम पानी इसके अंदर भर देंगे अपनी जेली आइसक्रीम। और ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी की मेरे पास जेलेटिन है, वो है जेली है, आप इसमें जेलेटिन भी डाल सकते हैं लेकिन मैं जेली यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी की। और आप इसमें 3 टेबल स्पून शुगर है, हम शुगर यूज़ कर रहे हैं 3 टेबल स्पून। और हमें एक जग चाहिए, जग के अंदर मेरे पास पानी मुझे चाहिए 2 ग्लास, ये मैंने गर्म कर लिया है पानी को, एक 2 ग्लास जो है हमें गर्म पानी चाहिए, बॉयल पानी है, बॉयल वाटर है, 2 ग्लास हमने पानी ले लिया। पानी लेने के बाद हमारे पास जो जेली है वो हम इसमें अपनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ताकि चीनी और ये पानी डिसॉल्व हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए इसमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डिसॉल्व हो गई हैं। अब मेरे पास अगर आपके पास ये मोल्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने ये देखें ये ग्लास ले लिए, ग्लास के इधर ये इस तरीके से आप इस पर रबर बैंड चढ़ा लें, ठीक है। रबर बैंड चढ़ाने के बाद बीच में से इसको ऐसे क्रॉस में रबर बैंड चढ़ाएँ, इसके ऊपर ये स्टिक्स आराम से अवेलेबल है मार्केट में, मिल जाती हैं आपको ना आइसक्रीम स्टिक्स, ये इसके ऊपर लगा लें। लगाने के बाद इसमें हम अपना पानी भर देंगे और इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़ तकरीबन 3 से 4 घंटे आप इसको फ्रीज़ करें। गरम पानी में बनाइएगा ताकि चीनी और जो आपकी जेली है स्ट्रॉबेरी जेली, पाइनएप्पल जेली, जेली जो भी आपने व्हाटएवर जो भी आपकी जेली है जिस कलर की आप बनाना चाहती हैं उस कलर का बना लें। इस तरह ये देखेंगे भर दें, भरने के बाद थोड़ी सी इसमें, ये मैं आपकी वजह से बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर वो नहीं है तो इस तरीके से भी बन सकता है। ये मैंने पानी जो लिया है, मैंने 2 ग्लास पानी लिया है, 2 मग्गे कप। मैं आपको कप का साइज़ दिखा देती हूँ आपके सामने लिया है, ये देखें ये वाला कप का साइज़ है हमारा, ये मैंने 2 लिए हैं। अब इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये कवर हो गया है, साइड से आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये हमने कवर कर लिया है। अब हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं, स्पून का कोई मसला नहीं है, आप इसको जब आधा ये जम जाए तब भी सही कर सकती हैं बाद अगर वो हो जाएगा, वरना ये अभी ज़ाहिर है गर्म है तो वो पानी से वो हो रहा है। और जब फ्रीज़र में रखें तो इसको इस तरीके से रख दीजिएगा ताकि आपकी आइसक्रीम सही जम जाए, ठीक है। अब हम इसको अपना फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है हम फ्रीज़र में रखते हैं फ्रीज़र में, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें मेरी आइसक्रीम जो है रेडी हो गई है, मैं आपको निकाल के
दिखाती हूँ, ये देखें इस तरीके से आप इसके अंदर इसको जमा लीजिएगा। ये मेरी 3 घंटे में रेडी हो गई है। और ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ, निकाल दी, ये देखें, ये इस तरीके से इसके अंदर ये आ जाएगा। अगर इसको और भी 1 घंटा रखे रहें तो बहुत अच्छा है। तो इसको एंजॉय कीजिएगा, सो सिंपल सो इजी, एंड ट्राई इट करें, इसको रेसिपी को ट्राई करें बनाना। और जी दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।